नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी हमारी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में। जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा है कि विधायकों और कांग्रेस की उच्च कमान तय करेगी कि पार्टी की सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। ये बयान उन्होंने एक विशेष इंटरव्यू के दौरान दिया, जिससे ये संकेत मिलता है कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अभी भी हैं, जिस पद का वर्तमान में उनका मुख्य प्रतिद्वंदी अशोक गहलोत है। ये टिप्पणी जो अभियान ट्रेल के दौरान की गई थी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गहलोत और पायलट शिविर के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा के पृष्ठभूमि में ये है, जिसने 2020 में लगभग कांग्रेस सरकार को गिरा दिया था, जबकि पार्टी ने चुनाव के लिए एक संयुक्त मोर्चा उठाने की कोशिश की है, लेकिन समय समय पर छिपे हुए हमले ने संघर्ष को उजागर कर दिया है। पहले अपने प्रतिद्वंदी पर तंज कसते हुए श्री गहलोत ने कहा था कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना चाहिए, लेकिन ये पद मुझे जाने नहीं दे रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस एकजुट है, तो श्री पायलट ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। ये भाजपा है जिसमें दल भेद तनाव लड़ाई है, टिकट गलत तरीके से बांटे गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है, कांग्रेस में हम बैठकर बात करते हैं। कांग्रेस के मुख्य मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के नेता राहुल गांधी ने उनसे क्षमा करने, भूलने और आगे बढ़ने की अपील की है। श्री पायलट ने कहा, इसलिए मैं भविष्य की ओर देख रहा हूँ। मैं राजस्थान के लिए 5 वर्षीय रोड मैप पर नजर रख रहा हूँ। मिलकर हम कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे, उसके बाद विधायक और नेतृत्व तय करेगा कि कौन क्या करेगा। उन्होंने कहा 25 नवंबर के चुनाव से कुछ हफ्ते पहले, 2018 के चुनाव से इस चुनाव में क्या अंतर है। इस सवाल पर जवाब देते हुए श्री पायलट ने कहा कि उस समय कांग्रेस विपक्ष में थी, इस बार लोगों ने हमारे 5 साल के काम को देखा है, हमने गांवों में विकास लाया है। ये चुनाव ऐतिहासिक होगा, ये परंपरा को बदल देगा और कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी, उन्होंने कहा। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है, पूरा टीम एफर्ट होता है। और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं लोगों की। स्वतंत्रता के 4 दशकों के बाद राजस्थान की राजनीति को कांग्रेस ने प्रभावित किया। सन 1990 में भाजपा की जीत के बाद राज्य ने कभी शासन पार्टी को वापस वोट नहीं दिया। अब कांग्रेस इस तथाकथित निवासी शाप की गलत ठहराने की कोशिश में है, उन्होंने कहा। इसी तरह स्वतंत्रता के बाद टोंक में कोई विधायक 50,000 वोट के अंतर से नहीं जीता। रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं, मैं अंकों में जाना नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है। हमने बहुत सारे विकास कार्य किए, हमने COVID-19 के दौरान लोगों की मदद की, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम इस बार टोंक में बड़े अंतर से जीतेंगे। श्री पायलट ने भाजपा को भावनात्मक मुद्दों की राजनीति करने का आरोप लगाया। सार्वजनिक कल्याण मुद्दों के बजाय, जैसे कि बिजली, पानी और शिक्षा, भाजपा धर्म की बात करती है, मंदिरों और मस्जिदों के बारे में बात करती है, उन्होंने कहा। इस तरह से राजस्थान की राजनीति में चुनावी मौसम का तापमान हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार का चुनाव निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा और हम सभी इसका इंतजार कर रहे हैं। इसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप भी हमारे हर वीडियो को तुरंत अपडेट पाना चाहते हैं तो एयर न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लिखें और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।